रांची के प्रभात तारा में आयोजित होने वाले न्याय उल्गरान रैली में शामिल होने रांची पहुंचे महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो एकजुट हुए हैं। उनका कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती से देश को संदेश देने का काम करेंगे। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि लोग केंद्र सरकार की राजनीति से जनता उब चुकी है और अब बदलाव चाहती है। और देश की सत्ता जिन लोगों के हाथों में है, संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इस लोकतंत्र को बंधुआ बना रहे हैं। इसके लिए यहां से जनता को एक बड़ा संवाद जाएगा और ये झारखंड की पवित्र धरती इसकी गवाह बनेगी। देख रहे हैं किस तरह से मैदान से लेके एयरपोर्ट भरा हुआ है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लोग इंतजार कर रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय सुनीता केजरीवाल, आदरणीय भगवंत सिंह मान, सभी लोगों का इंतजार है और जो ये उलगुलान होगा। रांची झारखंड में है और तमाम स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, जो बड़े लीडर है वो सारे आ रहे हैं और झारखंड में न्याय की बात उठानी है। झारखंड के साथ जो अन्याय आज की मरकजी सरकार ने यहाँ के साथ लगातार किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली किया, हुकूमत में किया, पॉलिटिकली किया, उन सारी बातों का जवाब आज झारखंड की जनता और झारखंड का आवाम दे कि जो भी देश का सबसे बड़े से बड़ा करप्ट उन्हीं की जबान से डिक्लेयर था वो आज सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्डर नाराज है। और आपने लोकसभा के पहले फेज में देखा 80% वोटरों ने इंडिया गठबंधन के लिए इसीलिए वोट किया क्योंकि महा करप्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, देश का संविधान बचाओ, यही असल मुद्दा जो है। पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है और जो नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला ले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।